अडल्ट हॉलीवुड मूवीज की बात हो तो नेटफ्लिक्स पे आपको एक से बढ़कर एक मूवी मिल जाएंगी और हम इस मूवी बेस्ट चैनल में आपका काम आसान करते हैं बेस्ट मूवीज की लिस्ट बता के। तो स्वागत है आपका दोस्तों मूवी बेस्ट चैनल में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 10 बेस्ट अडल्ट हॉलीवुड की मूवीज जो अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे और ये होगा पार्ट टू। हाँ, अगर अभी तक आपने पार्ट वन नहीं देखा है दोस्तों तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हो इस वीडियो के बाद। तो बस अडल्टनेस का मजा लेने के लिए हो जाओ तैयार और कर लो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो अब बिना देरी और फॉर्मेलिटी के शुरू करते हैं ये वीडियो। नंबर 10 मूवी रिवॉल्व करती है एक हाई स्कूल ग्रेजुएट के अराउंड जो अपनी सेक्सुअल नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ाना चाहती है कॉलेज ज्वाइन करने से पहले। मूवी 1993 में सेट है और ये लड़की सेक्सुअल नॉलेज के लिए वो अपने दोस्तों, बड़ी सिस्टर और बॉस को अप्रोच करती है। वो बनाती है एक टू डू लिस्ट। मूवी का नाम है दोस्तों दी टू डू लिस्ट जो कि आई थी 2013 में। कॉमेडी और रोमांस जॉनर की और आईएमडीबी रेटिंग है 5.8। मूवी के स्टार्ट से एंड तक आपको हॉट एंड बोल्ड सीन्स दिखते रहेंगे। कॉमेडिक डायलॉग्स के साथ रोमांस का तड़का भी है। डबल मीनिंग जोक्स और बिकनी सीन्स इसको बहुत इंटरटेनिंग बनाती है और ये अवेलेबल है हिंदी में। अब बात कर ली जाए नंबर 9 के बारे में दोस्तों। तो इस मूवी में मेडिकल में काम करने वाले एक लड़के को लड़कियां पसंद तो आती हैं पर लड़कियां उसको फ्रेंड जोन कर डालती हैं। अपने 3 बेस्ट फ्रेंड्स के साथ एक हॉलिडे के दौरान वो एक खूबसूरत लड़की से मिलता है। वो दोनों जल्द एक दूसरे के करीब आते हैं लेकिन इसके दोस्त ये सेंस कर लेते हैं कि ये फिर से फ्रेंड जोन होने वाला है। मूवी का नाम है दोस्तों फ्रेंड जोन जो कि आई थी 2021 में। कॉमेडी और रोमांस जॉनर की आईएमडीबी रेटिंग है 5.9। मूवी में फुल न्यूडिटी तो नहीं लेकिन किसिंग हॉट सीन्स हैं जो डबल मीनिंग जोक्स के साथ कहानी में डाले गए हैं। कॉमेडी का तड़का के साथ इसे आप देखेंगे। रोमांस के एंगल को बखूबी ऐड किया गया है और ये अवेलेबल है इंग्लिश में। नंबर 8। तो दोस्तों इस मूवी में एक लड़की का बैंक अकाउंट खाली कर दिया जाता है और ये काम करती है उसकी लुक अलाइक। ये लड़की इस मिस्टीरियस हम शक्ल को अनमास्क करके खुद की आइडेंटिटी वापस लाना चाहती है। मूवी का नाम है कैम जो कि आई थी 2018 में। ड्रामा, हॉरर और मिस्ट्री जॉनर की आईएमडीबी रेटिंग है 5.9। तो दोस्तों मूवी की कहानी बहुत ग्रिपिंग एंड एट द सेम टाइम थोड़ी क्रीपी भी है। न्यू जनरेशन हॉरर वाइब को ऐड करके कहानी को एक यूनिक मोड़ दिया गया है। न्यूडिटी, हॉट एंड बोल्ड सीन्स की कोई कमी नहीं है इसमें। इसको नॉन सेक्सुअल रखा गया है और ये अवेलेबल है इंग्लिश में। नंबर 7। एक प्रोफेशनल फुटबॉलर टेरी जिसने खेलना बंद कर दिया उसको पैसों की जरूरत आन पड़ती है और उसके लिए वो अपने फ्रेंड जेक से मदद मांगता है। जेक बदले में अपनी मिसिंग गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए कहता है। उसकी गर्लफ्रेंड को वो ढूंढ तो लेता है पर वो जेक को नहीं बताता। और इस मूवी का नाम है दोस्तों अगेंस्ट ऑल ऑड्स जो कि आई थी 1984 में। एक्शन, एडवेंचर और क्राइम जॉनर की आईएमडीबी रेटिंग है 5.9। काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ कहानी आगे बढ़ती है जिसमें कास्ट की एक्टिंग बहुत ब्रिलियंट है। पैशनेट किसिंग माहौल को गर्म रखे हुए हैं। हॉट सीन्स हैं लेकिन फुल न्यूडिटी को स्पेस नहीं दिया गया है और ये अवेलेबल है हिंदी में। नंबर 6। न्यूयॉर्क में रह रही एक म्यूजिक जर्नलिस्ट को सैन फ्रांसिस्को में ड्रीम जॉब मिला है। उसका बॉयफ्रेंड उसे 9 साल की रिलेशनशिप के बाद उससे ब्रेकअप कर लेता है और इसके कारण वो डिप्रेशन में चली जाती है। ऐसे में उसके 2 बेस्टीज उसको सपोर्ट करते हैं और उसके सैन फ्रांसिस्को जाने से पहले एक वाइल्ड एडवेंचर को एक्सप्लोर करने के लिए बोलते हैं। ये कहानी आप देखेंगे इन मूवी जिसका नाम है समवन ग्रेट जो कि आई थी 2019 में। कॉमेडी और रोमांस जॉनर की आईएमडीबी रेटिंग है 6.1। तो दोस्तों मूवी में गर्ल फ्रेंडशिप और बॉन्डिंग को इम्पोर्टेंस दिया गया है। किसी भी ब्रोकन हार्ट के लिए तो ये मस्ट वॉच है। एडल्टनेस नेचर की बात करी जाए तो सेक्सुअल एक्ट और न्यूड सीन्स बीच बीच में आते रहते हैं। थोड़े बेड सीन्स भी हैं जो वल्गैरिटी से दूर हैं और ये अवेलेबल है इंग्लिश में। नंबर 5। एक रेबेलियस टीनेजर आगे चल के मिलान का वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस क्रिमिनल बनता है और ये समय है 1980s का जब माफिया का मिलन पे राज हुआ करता था। वो सारे क्राइम का बॉस है और उसके लिए रॉबरी, किडनैपिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत आम बात है। मूवी का नाम है दी रूथलेस जो कि आई थी 2019 में। क्राइम और ड्रामा जॉनर की आईएमडीबी रेटिंग है 6.2। कहानी में बिल्कुल भी लूज एंड नहीं दोस्तों और इस परफेक्ट माफिया मूवी में हर एक सीन में आप इन्वॉल्व रहोगे। हॉट बिकनी सीन्स के साथ फ्रंटल न्यूडिटी को ऐड किया गया है। बेड सेक्स सीन्स को भी आप मिस नहीं करोगे और ये अवेलेबल है इंग्लिश में। नंबर 4।
कहानी है लड़के की जिसका ब्रेकअप हुआ है और अब वो इस ब्रेकअप से उबरने के लिए वो दूसरी गर्लफ्रेंड की तलाश में है और इसी बीच उसे एक लड़की मिलती है और दोनों अपने सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा करते हैं और ये डिसाइड करते हैं म्यूचुअली कि वो एक दूसरे को सिर्फ फिजिकली सेटिस्फाई करेंगे जिसमें कोई स्ट्रिंग्स अटैच्ड ना हो। क्या ये पॉसिबल है? तो दोस्तों ये देखिए मूवी जिसका नाम है नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, जो कि आई थी 2011 में। कॉमेडी और रोमांस जॉनर की और आईएमडीबी रेटिंग है 6.2। कहानी में हॉट बोल्ड न्यूड सेक्स सीन्स की कोई कमी नहीं दोस्तों, हर दूसरे सीन में आप बिकनी और रोमांस को मिस नहीं करोगे और ये अवेलेबल है हिंदी में। नंबर 3, एक कपल की कहानी है जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, इनकी शादी होती है और अब सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन एक ट्विस्ट है। हस्बैंड सेक्स डॉल बनाने का काम करता है और ये सीक्रेट वाइफ को पता नहीं। मूवी का नाम है रोमांस डॉल, जो कि आई थी 2020 में। ड्रामा और रोमांस जॉनर की और आईएमडीबी रेटिंग है 6.4। सेक्स डॉल और उससे जुड़े ओपिनियंस को अच्छी तरीके से डिस्प्ले करती है ये मूवी। फ्रंट न्यूडिटी को ओपनली दिखाया गया है और हाँ, बात हो रही है सेक्स डॉल की तो सेक्स एक्ट डिस्प्ले के भी सीन्स हैं, अवेलेबल इन जापानीज विथ इंग्लिश सबटाइटल्स। नंबर 2, तो दोस्तों इस मूवी में एक टीवी प्रोड्यूसर मॉडर्न रिलेशनशिप पे एक मॉर्निंग शो को होस्ट करती है। उसके लाइफ में परफेक्ट मैन की कमी है, उसके शो की रेटिंग भी ठीक नहीं है, ऐसे में वो टीम अप करती है एक मेल काउंटर पार्ट से जो उसको डेटिंग एडवाइस देता है। और इस मूवी का नाम है दोस्तों दी अगली ट्रुथ, जो की आई थी 2009 में। कॉमेडी रोमांस जॉनर की आईएमडीबी रेटिंग है 6.4। मूवी बहुत अमेजिंग है, इसकी स्टोरी टिपिकल रोम कॉम रोमांस मूवी से हटके है जिसमें कैरेक्टर ने अपना पार्ट बहुत अच्छे से निभाया है। हॉट किसिंग एंड बिकनी सीन्स आप देखेंगे इसमें, सेक्सुअल जोक्स और डायलॉग्स के साथ एक दो रोमांटिक एंगल भी इसमें ऐड किया गया है और ये अवेलेबल है हिंदी में। और आखिर में बात कर ली जाए नंबर 1 के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी में एक कपल अपनी सेक्स लाइफ को स्पाइस अप करने के लिए एक रिमोट एरिया में जाते हैं जहां वो लेक हाउस में रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से हस्बैंड अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंटली मर जाता है और वाइफ बेड पे हैंडकफ रह जाती है। वाइफ को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। मूवी का नाम है जेराल्ड्स गेम, जो कि आई थी 2017 में। ड्रामा हॉरर और थ्रिलर जॉनर की आईएमडीबी रेटिंग है 6.5। तो दोस्तों मूवी में हॉरर कंपोनेंट को ऐड करके कहानी को और भी इंटरेस्टिंग बना दिया गया है। ज्यादा सेक्सुअल सीन्स तो नहीं, लेकिन हॉट न्यूड सीन से आप कहानी से जुड़े रहोगे और ये अवेलेबल है इंग्लिश में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम काफी मेहनत से ये बेस्ट सिलेक्शन आपके लिए लेके आते हैं। आप अपना प्यार बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर दीजिएगा, अपने व्यूज कमेंट करके बताना। तो फिर दोस्तों मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में।